जिला चंबा में एड्स रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक माह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बाबत अधिक जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला स्वास्थ्य विभाग चंबा हरितपुरी ने बताया कि लोगों में इस रोग के प्रति जागरूकता लाकर ही इससे बचा जा सकता है, जिसके तहत इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि HIV रोगियों को हर माह सरकार द्वारा 1500 रुपए भी दिए जाते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 दिसंबर 2022 को जो है विश्व एड्स दिवस जो है वो पूरे जिला भर में जो है वो मनाया जा रहा है। इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वो HIV एड्स के प्रति जो लोगों में जागरूकता और जो HIV एड्स से जो संक्रमित लोग हैं उन रोगियों का हौसला बढ़ाना और ताकि जो समाज में जो एक एड्स के रोगियों के प्रति जो भेदभाव फैला हुआ है या गलत भ्रांतियां फैली हुई हैं कि HIV जो है किसी के छूने से या किसी को हाथ लगाने से फैलता है, तो उसको मिटाने के लिए जो है ये दिवस जो है पूरे जिला में एक जो महीने के लिए जो है वो मनाया जा रहा है। जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि HIV एड्स जो है वो एक लाइलाज बीमारी है। मुख्य तौर पर ये जो है 4 मुख्य कारणों से ये जो है ये फैलता है। तो इसमें जो पहला मुख्य कारण है वो होता है असुरक्षित यौन संबंध बनाना, और दूसरा जो है संक्रमित सुई के उपयोग करने से भी HIV का संक्रमण होता है। इसके साथ साथ जो है संक्रमित खून के चढ़ाने से भी जो है HIV जो है व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। और साथ साथ अगर कोई भी माता पिता में से कोई भी संक्रमित हो तो आगे बच्चे में जो है HIV का संक्रमण जो है होने के चांसेस होते हैं। तो और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर HIV की जो टेस्टिंग है वो निशुल्क उपलब्ध है। इसके लिए सरकार द्वारा जो है ICTC सेंटर जो हैं वो खोले गए हैं, जो कि मुख्य सभी जैसे चंबा की हम बात करें तो यहाँ हमारे 4 हमारे ICTC सेंटर्स हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज चंबा है, सिविल हॉस्पिटल चौड़ी में ICTC सेंटर है, भरमौर सिविल हॉस्पिटल में और किहार सिविल हॉस्पिटल में जो है ICTC सेंटर्स खोले गए हैं। तो इन ICTC सेंटर्स में कोई भी व्यक्ति जो है स्वेच्छा से जो है अपना HIV की जो है वो जांच करवा सकता है, जो कि और अगर रिजल्ट आता है किसी का मान लीजिए पॉजिटिव या कुछ, तो वो भी हम गोपनीय रखते हैं। इसके साथ साथ जो है क्या बोलते सरकार जो है जो ये HIV से संक्रमित जो रोगी होते हैं उन्हें जो है मासिक जो है एक 1500 रुपये की जो है फाइनेंशियल सुविधा भी प्रदान करती है, और उन्हें जो है ART सेंटर तक आने जाने का किराया जो है वो भी उन्हें मिलता है, और सब्सिडाइज्ड राशन भी जो है वो मिलता है HIV से संक्रमित लोगों को। तो मेरी बाकी सभी जिलावासियों से ये अपील रही कि जो भी इसके जो मुख्य रोकथाम के जो जिन कारणों से हम HIV से रोकथाम कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और ऐसा नहीं है पिछले कुछ वर्षों में जो है भारत में और हमारे ज़िला में जो है HIV से संक्रमण जो है इसमें काफ़ी कमी भी जो है वो रिकॉर्ड हुई है। और अभी मैं बात करूं तो जिला चंबा में भी जो है अभी 135 व्यक्ति जो हैं वो HIV से संक्रमित हैं, जो अपना इलाज जो है वो ART सेंटर से निर्धारित तौर पर जो है वो ले रहे हैं। तो मेरी सभी से यही अनुरोध है कि HIV के जो संक्रमण है इसकी रोकथाम में जो है एक जो है जो इसके तौर तरीके हैं कि कैसे ये मतलब रोकथाम इसकी होती है उसमें सहयोग करें, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी रोकथाम का जो है ये मतलब लोगों को जागरूकता पैदा हो। CD चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।